सलमान खान की साल में भले ही एक ही फिल्म आए, लेकिन सल्लू मियां अपनी एक ही फिल्म से ऐसा धमाका कर देते हैं कि पूरे साल उस फिल्म का रंग ऑडियंस पर चढ़ा रहता है। इस बार तो सल्लू मियां ने ऑडियंस को दो दो फिल्मों का तोहफा दिया है। सल्लू मियां की भारत पहले ही ईद पर धमाल मचा चुकी है, वहीं अब क्रिसमस पर सल्लू की दबंग 3 तहलका मचाने आ रही है। पर इससे भी खास है सलमान का नेक्स्ट प्रोजेक्ट। हर साल ईद पर सलमान फैंस को किसी ना किसी फिल्म की ईदी देते हैं। ऐसे में सल्लू ने 2020 की ईद भी पहले से ही बुक कर ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान की राधे की, जिसकी शूटिंग सलमान ने शुरू कर दी है। फिल्म के फर्स्ट डे की शूटिंग का वीडियो खुद सलमान ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। इस वीडियो की बात करें तो इसमें सलमान खान स्लो मोशन में एंट्री करते नजर आ रहे हैं। वो चलते चलते अपने जैकेट को पहनते हैं, लेकिन वीडियो में सिर्फ वो पीछे से ही नजर आ रहे हैं। सलमान इस फिल्म की मेकिंग में जी जान से जुट चुके हैं। दो दिन पहले ही मुहूर्त शॉट के साथ फिल्म की स्टार कास्ट रिवील कर दी गई थी, और अब सलमान ने सोशल मीडिया पर पहले दिन की शूटिंग का वीडियो शेयर कर सनसनी मचा दी है। सलमान खान ने राधे की शूटिंग से पहले इसकी फोटो शेयर की, जिसमें राधे की टीम साथ खड़ी नजर आ रही थी। इस फोटो को शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, और सफर की शुरुआत हो गई। फोटो में सलमान के साथ दिशा पाटनी, सोहेल खान, जैकी श्रॉफ, प्रभु देवा और रणदीप हुड्डा नजर आ रहे हैं। राधे में सलमान, दिशा पाटनी के अलावा जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा और जरीना वहाब भी अहम रोल में हैं। फिल्म का डायरेक्शन प्रभु देवा कर रहे हैं। फिल्म राधे 2020 में ईद पर रिलीज की जाएगी। आपको याद होगा कि राधे सलमान के मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है। फिल्म तेरे नाम और वांटेड में उनके कैरेक्टर्स का नाम राधे ही था। राधे के अलावा सलमान खान दबंग 3 और बिग बॉस 13 में बिजी हैं। बिग बॉस 13 की शूटिंग की वजह से सलमान राधे की शूटिंग भी मुंबई में ही कर रहे हैं। वहीं सलमान की दबंग 3 की बात करें तो इस फिल्म से महेश मांजरेकर की बेटी साई मांजरेकर बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म दबंग 20 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। HS News के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।